हेलो पाइसीज, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जहाँ भी होंगे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे पाइसीज। तो आज हम करने वाले हैं आपकी अप्रैल 2022 की टैरो रीडिंग। देखते हैं कि आपका महीना कैसे रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आप यहाँ पहले से हैं मेरे साथ, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आप जानते हैं अब आपको क्या करना है। You have to pause the video and सोचिए about वो सवाल, वो question जो आपको बहुत time से परेशान करता आ रहा है, ताकि इस reading का आप maximum फ़ायदा उठा सकें। Okay, देखते हैं। तीन cards मैंने already यहाँ पर निकाल के रखे हैं, Knight of Swords, Wheel of Fortune and the High Priestess। ये आपकी general energy के card हैं, और नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ वापस जाना, यानी कि बहुत फास्ट मूवमेंट सोच में कहती हूँ, यहाँ पे दिखाई पड़ती है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इन द प्रेजेंट एनर्जी। यहाँ पे ये पता चलता है कि डेस्टिनी जो है आपका फेवर कर रही है, बी इट योर फाइनेंसेस, बी इट योर रिलेशनशिप्स। एंड द नाइट जो हाई प्रीस्टेस है वो ये कहती है फ्यूचर में भी जो भी चीज़ें हैं अभी वो अनडिसाइडेड हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के रूप में आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। एंड हाई प्रीस्टेस आपको ये बोलती है फ्यूचर में आने वाली चीज़ें जो हैं हिडन हैं फॉर नाउ, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही आपको अभी नहीं बताई जा रही हैं। इट्स टू अर्ली और बताना अभी ठीक नहीं है। ऑल टुगेदर देखिए एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे पाइसिस, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि लक जो है अब आपके फेवर में टर्न हो रहा है इन एवरी स्पेयर ऑफ योर लाइफ। जनरल एनर्जी की मैं बात करती हूँ। अभी हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स की पाइसिस, और थोड़ा ये व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में भी इंफॉर्मेशन के लिए हम कार्ड्स पुल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पाइसिस की फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ठीक है, हमारे पास है हर्मिट का कार्ड और है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स में तो पेंटिकल्स यानी कि करियर, पैसा, फाइनेंसेस बहुत हैवी चल रहा है। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं ज़रा, फिर कंबाइंड रीड करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जी मोस्ट लाइकली फायर साइन हो सकते हैं, एंड द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, आप दोनों की फीलिंग्स में एक एक यहाँ पे मेजर अर्काना मुझे दिखाई पड़ता है, यानी कि डेस्टिनी का बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बोलता है कि किस्मत एक डायरेक्शन में आपको टर्न कर रही है, एंड हाँ आप एक बहुत ही डीप सोच में मुझे दिखाई पड़ते हैं। किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, बातों की तह तक जाना चाहते हैं, डीप चीज़ें सोच रहे हैं, राइट। एंड जो यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स है वो ये कहता है कि यहाँ पे वेट, पेशेंस है किसी चीज़ को लेके। बहुत सारा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस जगह तक पहुंचने के लिए, जहां पर भी आप अभी करंटली हैं पाइसिस, बहुत एफर्ट आप लगा चुके हैं आपकी रिलेशनशिप में, और अब इसके आगे जाने के लिए आप सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के कार्ड्स देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों कार्ड्स में जो फेस है वो आपकी तरफ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी, और जो वर्ल्ड कार्ड में है लेडी उसका फेस भी आपकी तरफ, यानी कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट पे, एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट
शोइंग एक्शंस, क्योंकि जो वॉन्ट्स की एनर्जी होती है इट्स ऑल अबाउट एक्शंस, बात कहकर नहीं बात करके जताने वाली चीज़ है ये। इनके देखिए, इनका साइन हो सकता है एरीज, लियो और सजिटेरियस, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि आप रुके क्यों हो, आपका जो वेट है ये उनको पसंद नहीं, वो फास्ट मूवमेंट चाहते हैं, उनकी एनर्जी में फास्ट मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है, तेज़ तेज़ आगे साइकिल को ख़त्म करना और नई चीज़ को शुरू करना। ऑलराइट, देखते हैं, टू ऑफ कार्ड्स का कार्ड निकल के फ्लिप होके नीचे गिर गया है, वी आर गोइंग टू टेक दैट। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे निकला है आपके लिए वो निकला है टू ऑफ डोमिनियन, अगेन टू का कार्ड, ड्यूअलिटी का कार्ड आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके पार्टनर की सोच का। दिस मेक्स मी फील कि नीचे गिरा हुआ कार्ड फाइव ऑफ सोर्ड्स, डिफीट, आपके लिए सक्सेस ये चाहते हैं, राइट। ओके गाइस, मैंने इनको रिवील कर दिया है, दो कार्ड्स को जनरली हम इसे ग्रैंड रिवील में ओपन करते हैं, बट फॉर दिस रीडिंग आई हैव ओपन दिस कार्ड फॉर यू, समहाउ मैंने फ्लो में आके कर दिया। एंड अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखो आप, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून सेंट्रल कार्ड हमें देखने को मिलता है। तो आपके पार्टनर बहुत बहुत सोच रहे हैं कि ये व्हील जो है डेस्टिनी का कब जल्दी मूव करेगा एंड आप कब इस वेट वाली एनर्जी से निकलोगे। चलिए ये देखते ही जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स है ये क्या चीज़ का वेट यहाँ पे चल रहा है। Pisces, आपकी एनर्जी में ये क्या चीज का वेट है। ये है फोर ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन, आप भी एक इस साइकिल के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो, जो भी आपने टास्क शुरू किया है उसके कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो बिफोर यू कैन एक्चुअली टेक स्टेप्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हायरोफेंट का कार्ड, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट टुगेदर, ये दोनों शादी के भी कार्ड्स होते हैं। शादी से पहले कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके पार्टनर के और आपके इकट्ठे, या फिर आपके पर्सनल मैं देखती हूँ, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, उन गोल्स को आप कंप्लीट करना चाहते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद ही यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड पाइसिस, ठीक है। और आपके पार्टनर की नज़रें एकदम कड़ी हैं आपके ऊपर कि ये कब कंप्लीट होगा, ओके। थोड़े से और एक ही कार्ड निकालते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स के लिए। यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है और जो वर्ल्ड कार्ड है पाइसिस, अभी देखते हैं रिलेशनशिप की ऑल टुगेदर क्या स्कोप रहने वाली है इस कार्ड से। मेरे पास कार्ड आ गया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर रिलेशनशिप। ये कार्ड कहता है पाइसिस की जो मूवमेंट है यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि जो कार्ड्स हैं यहाँ पे कंप्लीशन के, वर्ल्ड कार्ड के और व्हील ऑफ फॉर्चून, सब एक सर्कल की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीशन, एक चक्र की बात कर रहे हैं। और इस चक्र को लेकर ही स्ट्रेस है कि सही तरीके से ये मूव करेगा या नहीं। आपकी सोच के लिए भी थोड़े से ओरेकल कार्ड निकाल लेते हैं। आई जनरली डोंट, बट इतना इंटरेस्टिंग स्प्रेड है, आई कांट जस्ट वेट एंड यू नो, देखते हैं कि जो हायरोफंट है आपकी सोच में ये क्या चल रहा है।
ठीक है। रिलेशनशिप की ऑल टुगेदर एनर्जी के ऊपर भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। देखते हैं ऑल टुगेदर एनर्जी क्या कहती है आपकी रिलेशनशिप के लिए। डेस्टिनी फिर से है, सेम कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून की ही यहाँ पे एनर्जी है। तो आप जिनके साथ भी हैं इनका आपकी लाइफ में होना तो तय है, डेस्टिनी आपके साथ है। कार्ड कहता है ऑल दैट आई शैल नीड टू नो एज आई वॉक शैल नाउ बी शोन। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, एट का कार्ड है दोबारा यहाँ पे, बहुत रिपीट हो रहा है, डेस्टिनी आपके साथ है, आपको पुश दे रही है पाइसिस, एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इमेजिन करेंगे, जो आप सोचेंगे वो यहाँ पे रियलिटी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट टाइम मून, दिस इज टॉकिंग अबाउट इमोशंस, और यहाँ पे थोड़ा सा सोते हुए दिख रही हैं प्रोटैगनिस्ट इन द कार्ड, एंड इट्स टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी एंड नाइट टाइम। दिस इज मच अबाउट यू, टॉकिंग मच अबाउट यू पाइसिस, कैसा आपका रहने वाला है। ऑल टुगेदर बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, लक आपका फेवर कर रहा है, बार 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 डेस्टिनी की बात यहाँ पे हो रही है। प्लस तो इस पॉइंट पे आप स्टेप्स लेंगे उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, यानी कि आपके पास ये जो अप्रैल का महीना है पाइसेस, इसमें आपको बस कुछ भी करके दिखा देना है ताकि आप आगे की लाइफ को भी बहुत पॉजिटिव साइड से जी सकें। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और ये जो बाकी के कार्ड्स हैं जो हमें रिवील करने हैं, आई विल ओपन देम अप इन दी ग्रैंड रिवील। एंड आपकी फीलिंग्स में भी यहाँ पे हमने देखा था कि हर्मिट है, लेट्स सी व्हाट दिस इज, ये सोच क्या चीज़ है। एंड कार्ड है मेरे पास द रिसेप्टिव, द यील्डिंग इन प्रिंसिपल, डिवोटेड पेशेंट, सपोर्टिव, ओबीडियंट, रिस्पॉन्सिव, इंटुइटिव, अर्थी मदर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज पीस, हार्मनी, बैलेंस, परफेक्शन, इक्विपोइज, सेंस ऑफ वेल बीइंग, फेवरेबल कंडीशंस, एक्सपेंशन। यानी कि यहाँ पे एक्सटेंडेड रीडिंग, उसको देखने के लिए आप नीचे जो ज्वाइन का बटन है उसको क्लिक करिए, एंड यू कैन गो एंड वॉच दिस रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करिए, एंड यू कैन वॉच my readings and book a private reading with me too. Milti hu next time. Bye.